एक काम और ये कर सकते बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, ब्लैक ब्लैक पहना है ये निकाले हैं, और यहाँ हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सागर प्रोडक्शन, ये अपने हुडी के में रख, और ये बिहाइंड द सीन्स, और वो गिटार में, और हम हैं म्यूजिशियन, पता नहीं क्यों है लेकिन है हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग, दिस सागर उपाध्याय। और भैया आज है संडे, संडे को क्या करते हैं, संडे को हम अब करते हैं अपने आप को पूरी तरह से ऑक्यूपाइड, ताकि हमें बाकी कुछ सोचने का मौका ना मिले, खाली बैठने का मौका ना मिले, और कुछ ना कुछ करते रहे। तो प्लान बन गया है, और हम अभी जाएंगे विशाल भैया से मिलने, हमारे एक भैया हैं अंसारी भैया भी जाएंगे, लेकिन उठाए जा रहे हैं 7-8 बजे से, इसको उठ ही नहीं रहा है। तुम तो वो लग रहे हो यार, क्या लग रहे हैं? अरे याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं देखा हूँ किसी को ऐसे, वो है ना वो मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसका जो एकदम ऐसे पट करके, हाँ जो गोली मारता है लास्ट को, लास्ट में नवाज, समझ गया, मैं लग ही रहा था कि तुम उसी को, हाँ तुम वही लग रहे हो। अच्छा अभी तो नहीं लग रहे, अब नहीं लग रहे हो। तो अभी जाते हैं नीचे से, लेते हैं 2 अंडे और 1 दूध का पैकेट, चाय बनाएंगे और ब्रेड ऑमलेट खाएंगे। तो बने रहिए और मजा आने वाला है, लव यू ऑल। मिर्चा कटवाएंगे डेढ़ 2 महीने बाद हमने बनाई है नाश्ता अपने से, चाय बनाया है और ऑमलेट बनाया है। हमारी थोड़ी सी जल गई, अंसारी ने तेल बहुत पहले डाल दिया था, पर कोई बात नहीं, मेरी गलती है ऐसा, उसका शक्ल देख के मेरे को बोलना पड़ेगा अभी, ठीक है हम ही गलत है। तो भैया चाय होगी, आप इंटरप्रेटर सेट करो। भैया ने साइकिल से हायाबुसा पे शिफ्ट किया है, तो भैया की थोड़ी मदद करनी है, इंटरप्रेटर सेट करना है पाइथन का। ये आपने नया इंस्टॉल किया है क्या? नहीं नहीं, वीएस तो पुरानी है। डाउनलोड कर लिया आपने वो? क्या? हाँ वो इंस्टॉल कर दिया। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर दिया? नहीं किया। अच्छा तो हो गया भैया, भैया का इंटरप्रेटर सेट हो गया, ईजी था, हम लोग ऐसे दिमाग लगा रहे थे इधर उधर, वहीं पर पड़ा हुआ था। चलो अभी आप काम करो मस्त, और हम अभी निकलेंगे। अंसारी भैया, मैं कर रहा हूँ विशाल भैया को कॉल, ठीक है? हाँ जी, तो हमने कॉल कर लिया विशाल भाई को, और विशाल भैया बोल रहे हैं कि आ जाओ यार 10-15 मिनट में आ जाओ, अभी जाते हैं जोधपुर, वहाँ पे मिलेंगे, फिर वहाँ से एक दोस्त के यहाँ जाना है, कुछ सामान लेना है, वो लेकर फिर बताएंगे आपको कि हम क्या करने वाले हैं। तो भैया निकल रहे हैं, विशाल भैया 2 मिनट पहुँच जाएंगे। मास्क लेना था, मास्क नहीं था मेरे पास। चलो देखो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी ये रास्ता याद हो जाएगा कुछ दिन में, क्योंकि दोस्त मेरे जो है ना वो ज़्यादा दूर रहते नहीं हैं मेरे से। और भैया एक्चुअली हम लोग वीडियो शूट करने वाले थे ना अभी। अच्छा सुबह ला रहा है यार, माइक ऊपर है शायद। ऊपर है, मैं देखता हूँ यार, कल तो यहीं था। तो भैया माइक लेने आया था मैं, धीरे धीरे मालूम चल ही जाएगा तुमको किस लिए आया हूँ। चले ऊपर चल। तो भैया हुआ ऐसा कि मैं लेने आया था माइक, और विशाल भैया वहाँ वेट कर रहे हैं। अजय के पास था माइक, लेकिन अभी जो है नीचे नहीं है, वो धीरज का माइक है, वो ऊपर लेके चला गया है, तो वो भी डबिंग करता है, तो वही माइक लेने आए थे। अभी माइक लेते हैं, उसके बाद बात बताते हैं आपको। और भैया जी? अरे बढ़िया एकदम। अब हम आए सागर प्रोडक्शंस में। तो भैया ये हैं अपने विशाल भैया। विशाल भैया अपने कॉलेज के सीनियर रह चुके हैं, पढ़ाई में बहुत तेज़ है और टैलेंटेड भी बहुत है, कराटे वगैरह सीख रखे हैं, गिटार तो भैया क्या बजाते हैं, मतलब मज़ा आने वाला है। अभी दिखाएंगे, अभी पिक्चर अभी शुरू हुई है, अभी देखो जलवा। ये हम लोग जाने वाले थे कम्मा बेटा, वहाँ पर शूट करना था गाना, पर अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, थोड़ा धूप वगैरह रहता है इस टाइम पर, तो अच्छे से आएगा नहीं वीडियो। तब तक विशाल भैया जो हैं यहाँ पर हैं, प्रैक्टिस वगैरह करेंगे थोड़ा, और हुए भाग्य हमारे जो ये हमारे घर में पधारे भैया, महफिल जमेगी यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए, लेकिन तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट करो थोड़ा। थोड़ा मेरे को कुछ करना था वहाँ पे, मैं वहाँ थोड़ा, हाँ थोड़ा अलग है। तो ये सोचो पहले, हाँ इसका क्या कुछ रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उठाने एक बॉक्स और है, नहीं ये ये नहीं, ये नहीं, एक बॉक्स इसी तरह का उधर, और एक वो बॉक्स उठा ले, मतलब बिहाइंड द सीन्स ये सही है ना। एक कपड़ा ले ले, रेडी
क्या चल रहा है भैया? अरे बस बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहा है भाई। मतलब समझ लो 3-4 साल हो गया मेरे को ये मतलब जैमिंग वगैरह फिर गिटार के साथ गाते हुए भी बड़ा मजा आ रहा है। एकदम पुराने दिनों की याद आ रही है। हमारा अभी भी सो चुका है बैठे बैठे। अभी विशाल भैया का जो चंदा है वो हम बनेंगे। इनका नाम है विशाल चंदा। चमकेंगे चमकेंगे। और अपने जो प्रोजेक्ट बोलते हैं ना मैनेजर और डायरेक्टर टाइप, वो अंसारी इधर बैठे हुए पूरा डायरेक्ट कर रहे हैं कि अरे ऐसे नहीं ऐसे। आपको एकदम मस्त वाला गाना बताएंगे, अगर वहाँ नहीं तो यहाँ तो ज़रूरी बता देंगे। ठीक है, तो भैया की जो गिटार है ना यार, मतलब मज़ा आ रहा है गाने में। हमारी गलती भी ना वो पकड़ के ना इधर से उधर ठीक कर दे रहे हैं। शी इज़ माय गर्लफ्रेंड। ऑल द बेस्ट बोल दो हम लोग को कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है चलो। ये कैसी खुश देखना है। मैं एक्चुअली यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। अरे वो बीट्स में नहीं जा रहा हमारे। तो सुनो भैया, हम लोग हो गए तैयार। अभी हम लोग निकलने वाले हैं और जाएंगे कम्मा बेटा, वहाँ पे जाके गाना रिकॉर्ड करेंगे एक। तो बने रहिए और सुर ताल मिलाइए हमारे साथ। इलेक्ट्रम गुम हो गया। इलेक्ट्रम गुम हो गया, यहीं पर होगा। अरे अभी मिल। खाना पीना खाया नहीं है, सारा जान वहीं निकालेंगे, उसके बाद खाना पीना खाएंगे। तो मज़ा तो बहुत आने वाला है, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। गलती होगी तो और सीखने को ही मिलता है कि नहीं भैया? अरे बिल्कुल, बस आदमी सीखता है। हाँ, और ऐसे लोग हों तो फिर सीखने को तो मिलता ही है। वरना मौज करके आ जाएंगे। मौज करके आ जाएंगे। तो भैया हम लोग निकल रहे हैं और विशाल भाई जो हैं वो अक्षय भैया को लाने गए हैं, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो अभी निकलते हैं और सीधा मिलते हैं अकम्मा बेटा। जब आसपास लोकेशंस ना मिले अच्छे तो सबसे ईजी पड़ता है अकम्मा बेटा। 6 किलोमीटर अप, 6 किलोमीटर डाउन, 50 रुपये की पेट्रोल, तुम्हारी ज़रूरतें पूरी। बाकी तो तुम वीडियो में देख ही लोगे। तब तक थोड़े बहुत मज़े शॉर्ट्स के भी ले लो। हेलमेट भी लॉक है वैसे मेरे पास। हाँ ना, तो लेके चलिए, लेके चले हैं। रखने में क्या दिक्कत? नहीं, हम वजन लेके नहीं चलना चाहते। चल सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन बैठो बैठो। तो बाबरा मन राहता के तरसे रे, नैना ये मल्हार बन के बरसे रे, आधे से अधूरे से बिन तेरे हम फीका लगे है मुझको सारा जहां। बाबरा मन राहता के तरसे रे, नैना ये मल्हार बन के बरसे रे। एक ऐसी खुशी है जो मुमसी है, आँखों के रास्ते हंस के पिघलने लगे, मन्नत के धागे ऐसे हैं बांधे, टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी, टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी। सौ बलाए ले गया तू सर से रे, नैना ये मल्हार बन के बरसे रे। बाबरा मन राहता के तरसे रे, नैना ये मल्हार बन के बरसे रे। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है। गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं इस पल से उसमें। नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। ए दिल तू बता रे, दिल को हजारों बांधे थे धागे,
पर पाजी निकला ये हमसे आगे, हुआ क्या है, हुआ क्या है हमको। इतपल ये दौड़े उतपल ये भागे, होनी हो जाए तब नैना जागे, हुआ ये है, हुआ ये है समझो। दिल दिल के मिलते साचे और खांचे, जो है बनाता ऊपर से जाके, बत्ती है ना है धूप, ना कफूर ना कफूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर, ऐ दिल तू बता रे। तो भैया गाना वाना रिकॉर्ड हो गया मस्त एकदम, विशाल भाई हैं, थैंक यू सो मच विशाल भाई। अरे बिल्कुल, थैंक यू सो मच अक्षय भाई, मतलब क्या बोले, इनके बिना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी मतलब ये भी हैं, और को डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी अंसारी, जिन्होंने शुरू से इस चीज़ को प्लान किया था। सेट डायरेक्टर, ओके सेट डायरेक्टर, पूरा शुरू से प्लान किया, यहाँ पे शूट करेंगे, यहाँ करेंगे, कल से ये प्लानिंग चल रही थी दोस्त। थैंक यू सो मच तुम लोगों को, और गाली देना तो दे दो अभी, रिवील बस जल्दी होगा। एक और थैंक्स टू सागर फ्रॉम माय साइड, और वो रिवील बाद में, नहीं थैंक्स थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। एक और जो है आपको वीडियो देखने को मिलेगा इनके चैनल पर, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इनके चैनल का, तो प्लीज जाना और देखना, काफी अच्छा गिटार बजाते हैं, काफी अच्छा गाते भी हैं, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल, और देखो भैया मजे लो जिंदगी के। अभी हम क्या करेंगे, अभी अक्षय भाई को जाना है, लेट हो रहा है, केक लाया था यार, थोड़ा सा सुबह से कुछ किया नहीं, दो ऑमलेट खाया और एक चाय पिया, उसके बाद से इसी में लगे हुए हैं, तो अब जाएंगे और जाके कुछ बढ़िया खाएंगे। और अंसारी का अभी जो है गिटार प्रैक्टिस चल रहा है, मन कर जाता है यार, मतलब सोच रहे हो कहीं भी गाएं, गाएं दो गाने ही नहीं है, अभी जाके मस्त समोसा मोसा खाते हैं भैया, एक पफ ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधे, अब BSF चलते हैं, जोधपुर के पास चलते हैं, चाय वाय पियेंगे मस्त, अपना दिमाग जो है ना एकदम रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे रात को, और बताना कैसा लगा गाना, ठीक है। यार कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि ये शामें ना हमसे बातें कर रही हैं, बातें नहीं हमें रास्ता दिखा रही हैं आगे का। तो भाई अभी हम आए हुए थे डोमिनोज दोस्त लोग से मिलने, माइक वाइक देने आया था मैं वापस, तो का मिल रहा है यहाँ पे पिज्जा, आके खा लो एक मार, आके खा सकते हो। ऐशा नुवानी और प्रीति, और अच्छी कोडिंग स्किल्स है, फ्लटर वगैरह पे काम किया है इन्होंने, ऐप वगैरह बनाती है, तो जाओ जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। इधर अभी आराम की बैठा, थोड़ा आराम से शांति से आधे घंटे, और अभी पुलाव बनाएंगे रात के लिए, बाकी भूख तो नहीं है मेरे को, पर बना लेता हूँ रात को, कहीं भूख ना लग जाए उस वजह से। तो बस आज के ब्लॉग को करेंगे यहाँ पे ख़त्म, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विशाल भैया के चैनल पे जाओ, उनको जाकर देखो, वो अभी मतलब पहला जो वीडियो डालेंगे वो, उसके बाद फिर रेगुलर वो वीडियोस डालेंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में, तो प्लीज़ जाओ उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ भी कर दो, और ऐसी कॉन्टेंट अच्छा करने की जो तैयारी है, कोशिश है, वो लगी रहेगी, और डे बाई डे अच्छा करने की कोशिश है मेरी, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आए, बस यही मेरी इच्छा है। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। काफ़ी टाइम लग जाता है ज़िंदगी में ये समझने के लिए कि बात बस शुरुआत की होती है, शुरुआत ज़िंदगी में मुस्कान भरने की, शुरुआत ख्वाहिशों की उड़ान भरने की। तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं, पर यही लिमिटेड रिसोर्सेज तुम्हारी काबिलियत को एक नया रास्ता देते हैं।